हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के टाइम पर मूवीज देखना किसको पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्तों आज के डेट में हर बंदा सिनेमा में जाकर मूवी देखना पसंद करता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं कि आप अपने इसी फोन में मूवी रिलीज होने के एक दो दिन बाद केवल आप अपने इसी फोन में उस मूवी को देख सकते हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा ऐप लेकर आया हूँ जहाँ से दोस्तों आप कोई सी भी मूवी, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप यहाँ से कोई सी भी मूवी, यानी कि दोस्तों चाहे वो रिलीज होने वाली हो या फिर पहले ही रिलीज हो चुकी हो, अगर दोस्तों यहाँ पर वो मूवी रिलीज होने वाली है तो उसके एक या दो दिन बाद आप यहाँ से उस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अपने फोन में ही उस मूवी को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाने भी वाला हूँ, मैंने यहाँ से कितनी मूवीज डाउनलोड की हैं और किस तरीके से आपको मूवीज को डाउनलोड करना है। और यहाँ से दोस्तों एकदम आसान तरीका है आपको मूवी डाउनलोड करने का, ना कोई वेबसाइट का झंझट है, ना किसी जनरेट लिंक का झंझट है। यहाँ से केवल आपको मूवी को सर्च करना है और केवल यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी मूवी को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों बिना समय गवाए बिना किसी देरी के अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार हमें मूवीज कैसे डाउनलोड करनी है और ये कौन सा ऐप है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको लाइव एकदम दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से 4-5 मूवी ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए मैंने ये रख रखी हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम, स्पाइडरमैन होमकमिंग, पठान, दृश्यम 2 और भी मूवीज़ मैं यहाँ से डाउनलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए ये मूवीज़ यहाँ पर रख रखी हैं, नहीं तो अब तक तो इनको मैं डिलीट कर चुका होता। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है और सर्च कर लेना है दोस्तों टॉर ड्रॉइड, TORRD। तो दोस्तों इतना ही सर्च करने पर आपके पास ऊपर ऑप्शन आ जाएगा टॉर ड्रॉइड का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस ऐप को क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। तो मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आपको इसकी परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन आ गया स्टार्ट सर्चिंग, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, हिस्ट्री, सर्च और डाउनलोड्स। तो दोस्तों इसके नीचे अब आपको एक सर्च बार देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको उस मूवी को सर्च करना है जिस मूवी को आप डाउनलोड करना चाहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी मूवी आपको सर्च कर दे के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस, देख सकते हैं दोस्तों मैंने केवल फास्ट डाला है तो नीचे फास्ट एंड फ्यूरियस के काफ़ी सारे सर्च लिस्ट आ गई है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 को डाउनलोड करने के लिए सर्च कर लेता हूँ। और सर्च करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाला है केवल अभी सर्च बार में फास्ट एंड फ्यूरियस 10। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको टोरेंट टाइप देखने को मिल जाता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मार्क करके, यहाँ पर टोरेंट टाइप आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्लिक करके वीडियो सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस के सारे पार्ट्स जो यहाँ पर अपलोडेड हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्वालिटी एकदम यहाँ पर दोस्तों आपको जेन्युइन मिलने वाली है, यानी कि दोस्तों जैसी क्वालिटी आपको चाहिए MP4 MP3 वगैरह जो भी होती है वो सारी जो क्वालिटी आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। 2160p पिक्सल में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यानी कि दोस्तों 2160 पिक्सल में आपको मूवी देखने को मिल जाती है जो कि 17.1 GB की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे डाउनलोड पर क्लिक करते ही, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर इस 17.1 GB वाली पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर, जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारी डाउनलोड में आ चुकी है और यहाँ से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी थोड़ा देर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, कोई भी यहाँ पर मैं आपको धोखाधड़ी वाला काम नहीं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों यहाँ से आप कोई सी भी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप और कोई भी मूवी सर्च करिए, अगर नहीं सर्च में आती है तो एक बार इस ऐप को आपको क्लोज करना है और 30 मिनट बाद आपको ओपन करना है। अगर कोई मूवी नहीं आ रही सर्च लिस्ट में, तो अगर आधे घंटे बाद भी सर्च में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी ये ऐप थोड़ा लैग करने लग जाता है तो इसीलिए यहाँ पर सर्च लिस्ट में हर मूवी नहीं आ पाती है। इसीलिए दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं यहाँ पर आपकी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी मूवी जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। आपको और कोई भी मूवी सर्च करनी है तो यहाँ से सर्च कीजिए, टोरेंट टाइप पर वीडियो पर सिलेक्ट करना है आपको, वीडियो सिलेक्ट करते ही यहाँ से आपको सर्च करना है तो वो मूवी आपके सामने
सामने आ जाएगी। और आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको वो उस मूवी को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस दोबारा डालता हूँ, फास्ट एंड फ्यूरियस 10। तो दोस्तों यहाँ से आपको अब सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सर्च करके। हाँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्च लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है जो रिजल्ट हैं। अब यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो नीचे यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो एरोज बने हुए हैं डाउनलोड के, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों ये आपकी गैलरी में आसानी से आ जाएगी। तो दोस्तों मूवीज डाउनलोड करने का ये तरीका आपको कैसा लगा है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली ही वीडियो में आपके लिए कुछ नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।